सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज का जो टॉपिक अपना वो है 2023 बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर लाने के लिए किस टाइम टेबल से पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखिए कुछ जो टीचर होते हैं वो अपना टाइम टेबल देते हैं कि आप इस टाइम टेबल से पढ़ेंगे तो आपके 90% से अबव मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो उसी की चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आपको किस टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए, कितने सब घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को आपको देना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आपको एक टाइम टेबल बताएंगे कि आपको किस टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए ताकि आपके 90% से अबव मार्क्स और आएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, 101% आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपको आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं तो आपके 90% से अबव आएंगे। ठीक है, तो देखिए वो टाइम टेबल ये है कि टाइम टेबल है ही नहीं। ठीक है, आप कहेंगे सर ये बात कौन सी हुई, तो जी हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आपको टाइम टेबल की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको कोई भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपके जैसे आप मान लीजिए अभी 12th में आए हैं या 10th में आए हैं तो 2023 में आप बोर्ड एग्जाम देंगे, तो अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो आपको स्टार्टिंग में कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से चलेंगे तो आपके 90% से अबव आएंगे, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के मार्क्स आए हैं। ठीक है, 12th में जो टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ, टाइम टेबल तो फिलहाल है ही नहीं, टाइम टेबल को तो आप भूल जाइए। देखिए आपको करना क्या है, करना ये है कि आपके अभी स्कूल खुले हुए होंगे, सीधी बात है, तो स्कूल में आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उतना ही आपको घर पे आके रिवाइज कर लेना है। क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और आपको करना क्या है कि जब आप घर पे आ जाते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलना है अभी से ही। ये नहीं कि आप कॉपी से बिल्कुल मुंह मोड़ लीजिए, कॉपी को आपने छोड़ दिया, किताबों की तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कॉपी या पेपर पे लिखवा लीजिए कि आपको कभी भी 90% मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप कॉपी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, किताबों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, आप लिखवा लीजिए ये चीज़। ठीक है, और वहीं मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए मैथ है, मैथ की पहली प्रश्नावली है, तो पहली प्रश्नावली के आज आपने 3 सवाल सॉल्व कर लिए, कल आपने 5 सवाल सॉल्व कर लिए, उससे अगले दिन आपने 2 सवाल सॉल्व कर लिए, कुछ आपने फॉर्मूले देख लिए, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते चलना है बिल्कुल अभी से ही, और सारी चीज़ें पढ़ती हुई चलनी है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं, नन्नी से नन्नी चीज़ आपको पढ़नी है, और टोटल एक तरफ से थोड़ा 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 रोज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आपका बोर्ड एग्जाम 2023 नज़दीक होगा, 1 महीना होगा या 1.5 महीना होगा, जितना भी समय होगा पास में होगा, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जितना भी आपको हल कराया जाएगा, वो आपको दिमाग में एकदम से ही चिपक जाएगा, आपको समझ लीजिए याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी, अगर आप शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, थोड़ा एक टॉपिक आज पढ़ लिया, एक परिभाषा आज याद कर ली, अगर आप इस तरीके से पढ़ते चलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और वहीं अगर आप किताबों से मुंह मोड़ लेते हैं बिल्कुल, आप देखते ही नहीं है, अब आपको कहते हैं, अब आता है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 बहुत पास आ जाता है, अब बोलते हैं आप सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए, तो उस कंडीशन में आपके चाहे जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाए या जितना भी कुछ कर लिया जाए, आपके किसी भी कंडीशन में 90% मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप बड़ा क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको छोटे क्वेश्चन की बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। बड़ा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी चैप्टर की। जब आपको वही नहीं पता तो आप कैसे करेंगे? सीधी बात है, आधा गलत होगा आधा सही होगा, कुछ क्वेश्चन सही होंगे पेपर में, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, उसी की वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, देन आपके नंबर बिल्कुल कम आ जाते हैं, 60% 55% पे आप अटक जाते हैं, और वो आपकी सही नहीं रहती है, ठीक ठाक रहती है बस। लेकिन आपको 90% से ऊपर लाने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत से, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, ये नहीं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ पढ़ लेना है एक बार में, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते चलना है, ना के बराबर समझ लीजिए आज एक टॉपिक पढ़ लिया, कल को एक टॉपिक पढ़ लिया, परसों एक परिभाषा याद कर ली, कल को मैथ के 2 क्वेश्चन हल कर लिए, ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है। उससे क्या होगा कि आपकी एक आदत बन जाएगी, किताबों से लगी रहने की आपकी एक आदत बन जाएगी। कहते हैं ना कि एक चीज़ की लत लग जाती है, आप मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो आपकी एक लत लग गई कि आपको ओपन करना है, एक दिन में 2 बार तो ओपन करना है इंस्टाग्राम। तो ऐसी किताबों का होता है, जब आप किताबें स्टार्ट कर देंगे आप देखना, तो एक लत लग जाएगी किताबों की कि हाँ आज मैंने यार किताब पढ़ी नहीं बिल्कुल भी, आज मैंने किताब की तरफ देखा नहीं, तो आपको थोड़ा अंदर से फील होगा कि यार ये मैंने सही नहीं किया, मुझे थोड़ी देर किताब खोलनी चाहिए थी, पढ़ना चाहिए था थोड़ी देर, तो उससे आपकी एक लत टाइप की लग जाती है और आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आपको 90% से ऊपर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, किसी में दम नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप फॉलो करिए, और यदि आप 10th या 12th में हैं, 12th की तो अपने चैनल पर स्टडी चल रही है, ठीक है,
ट्वेल्थ की तो चल रही है, ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया चैप्टर वन से सभी सब्जेक्ट का। बाकी बची टेंथ की, तो टेंथ की भी मैं मैथ्स साइंस इस सब कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ टेंथ की भी, तो आप चैनल पे बने रहिए। और फिलहाल मैंने मैथ का जो है 8 चैप्टर तक तो बना दिया है, मैथ का क्लास टेंथ का बता रहा हूँ, 8 चैप्टर तक का मैंने बना दिया है, और क्लास टेंथ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बना दिए हैं, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके घंटी का जो आइकन आएगा साइड में उसको ऑल पे क्लिक करिएगा, ठीक है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से स्टडी कराता हूँ, कोई भी कठिन नहीं होती है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।